बिजनौर निवासी महिला सिपाही का मुरादाबाद में सिर धड़ से 50 मीटर दूर मिला। महिला सिपाही और उसके सिपाही पति की रामपुर में थी तैनाती। बता दें कि एसपी सिटी रण विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला की डेड बॉडी की शिनाख्त के बारे में बताया है कि रिंकी रामपुर के महिला थाने में तैनात थी, जबकि उसका पति सोनू कुमार रामपुर में ही स्पेशल ब्रांच में तैनात है। दोनों जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं और दोनों की पोस्टिंग रामपुर में ही थी। बेटी के गायब होने के बाद उसके मायके वालों ने रामपुर के सिविल लाइन्स थाने में उसके कॉन्स्टेबल पति सोनू कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। देखिए, इस जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 17 तो थाना कटघट क्षेत्र में नदी में एक महिला का शव बरामद हुआ था। उसके बाद उसमें आवश्यक बदनामी कार्रवाई की गई थी और शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा था। शिनाख्त के प्रयास में हम लोगों ने आसपास के जनपदों को सूचना दी थी, उसमें इसके बारे में जानकारी हुई है। महिला का शिनाख्त हो चुका है। ये इसकी गुमशुदगी थाना सिविल लाइन्स रामपुर में लिखी गई थी और ये एक सोनू कुमार जो स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल है रामपुर में तैनात है, ये उसकी पत्नी है। उसके जो मृतका है उसके फादर के द्वारा सिविल लाइन्स थाने में तहरीर दी गई है और उसमें उन्होंने अपने दामाद के ऊपर यानी मृतका के पति के ऊपर ही इसको मारने और इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का आरोप लगाया है और वो ये बॉडी हम लोग के यहाँ बरामद हुई, जिसमें हम लोगों ने PM वगैरह कराया। उसके बाद अभी इस पूरे घटनाक्रम में जो भी कार्रवाई है वो जनपद रामपुर के थाना सिविल लाइन से की जाएगी और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, PM वगैरह की रिपोर्ट्स थी, सब हम लोगों ने वहाँ पर सही। देखिए, ये अभी इसमें छानबीन की जा रही है। ये चूँकि बगल के जनपद में ही तैनात था और ये रहने वाला बिजनौर का है, संभवतः दोनों मृतका और उसके पति दोनों ही बिजनौर के रहने वाले हैं। वहीं रामपुर की महिला थाना प्रभारी का कहना है कि कॉन्स्टेबल रिंकी 2011 बैच की सिपाही थी। वो 30 दिन के EL अवकाश पर थी और उसको 14 अक्टूबर को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस लाइन में उसकी गैर हाजिरी दर्ज करा दी गई थी। वहीं अब सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर एक पुलिस सिपाही अपनी सिपाही पत्नी की इस तरह आखिर क्यों हत्या करेगा। DPP न्यूज से सिकुल कुमार की रिपोर्ट। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और DPP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। साथ ही किसी भी खबर को DPP न्यूज चैनल पर चलवाने के लिए या अन्य कोई जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आप हमारे फोन नंबर 7409720947 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।